तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसी मूवी जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये मूवी सन 1978 में रिलीज हुई थी, जिसमें एक लड़की के साथ कुछ बुरे लोगों ने बलात्कार किया और इसके बाद उस लड़के ने कैसे अपना बदला लिया, ये मूवी इसी पर आधारित है। तो मूवी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक सुंदर सी लड़की को दिखाया जाता है जो आज अपनी नॉवेल को लिखने के लिए अपने घर से दूर एक शांत जगह पर जा रही होती है। इस लड़की का नाम जेनिफर है और इसने एक कमरा किराया पर लिया है और वो वहीं पर अपनी नॉवेल को लिखेगी। रास्ते जेनिफर एक गैस स्टेशन पर रुकती है अपनी गाड़ी में गैस भरवाने के लिए। वहाँ पर उसे तीन बंदे मिलते हैं जिनमें से पहले का नाम जॉन और बाकी दो का नाम स्टैनली और एंडी होता है। जेनिफर उसे अपने बारे में बताती है और साथ में ये भी बताती है कि वो यहाँ पर क्या करने आई है। जॉनी उसे बोलता है कि ये उसके लिए बिल्कुल सही जगह है और वो यहाँ पर आराम से अपनी नॉवेल को लिख सकती है। इसके बाद जेनिफर उस जगह पर पहुँच जाती है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि ये जगह वाकई में काफी शांत थी और यहाँ पर जेनिफर के अलावा और कोई भी नहीं आने वाला है। यहाँ पास में ही एक नदी है जहाँ पर जेनिफर नहाने के लिए जाती है। इसके बाद वो वापस अपने घर पर आकर अपने सामानों को समेटने लगती है। तभी उसे वहाँ पर एक गन मिलती है जिसे देखकर वो सोचती है कि शायद इसे यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है, इसीलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। इसके बाद यहाँ पर मैथ्यूज नाम का एक बंदा आता है जो उम्र में तो काफी बड़ा था पर उसका दिमाग बच्चों की तरह था। जेनिफर ने कुछ सामान मंगवाया होता है, वो इसी सामान को लेकर आया था। वो जेनिफर से पूछता है कि क्या वो यहाँ पर अकेले रहने आई है, जिस पर जेनिफर बोलती है कि हाँ वो यहाँ पर अकेले रहेगी क्योंकि वो यहाँ पर अपनी किताब लिखने के लिए आई है। मैथ्यूज उससे दोस्ती करने के लिए बोलता है जिस पर जेनिफर उसे एक अच्छा इंसान समझकर उससे दोस्ती कर लेती है। और जब यहाँ पर मैथ्यूज जा रहा होता है तो जेनिफर उसे किस भी करती है। इसके बाद मैथ्यूज अपने दोस्तों के पास आ जाता है जो कि वही लड़के थे जो उस गैस स्टेशन पर काम करते थे। यहाँ पर मैथ्यूज बोलता है कि वो जेनिफर के घर गया था कुछ सामान देने के लिए। वो बोलता है कि मैंने जेनिफर की पूरी बॉडी को देखा है और मैं उसे पाना चाहता हूँ। इसके बाद शाम को ये चारों फिशिंग करने के लिए जाते हैं जहाँ पर ये सब जेनिफर के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैथ्यूज झाड़ियों में मास्टरबेट कर रहा होता है क्योंकि वो एक वर्जिन था। ये तीनों वहाँ बैठकर मैथ्यूज का मजाक उड़ा रहे थे। मैथ्यूज बोलता है कि वो किसी भी हाल में जेनिफर को पाना चाहता है क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर थी। ये चारों ये डिसाइड करते हैं कि वे जेनिफर को परेशान करेंगे, इसीलिए अगली सुबह जब जेनिफर नदी के किनारे अपनी नॉवेल लिख रही होती है तो वही लड़के नदी में अपनी नाव को चलाते हुए चिल्ला रहे होते हैं, जिसकी वजह से जेनिफर अपने नॉवेल पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। वही रात को जब जेनिफर अपने घर पर होती है तो वही लड़के बाहर चिल्ला रहे होते हैं और जब जेनिफर बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। अब जेनिफर उनकी इस हरकत से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। अगले दिन जेनिफर नदी में सनबाथ ले रही होती है तो वही लड़के वहाँ पर अपनी बोट से आ जाते हैं और उसको परेशान करने लगते हैं। वो अपनी बोट को जेनिफर की बोट के चारों तरफ घुमाने लगते हैं। स्टैनली जेनिफर की बोट पर एक रस्सी बांध देता है और इसकी बोट को खींचते हुए घने जंगलों की तरफ ले जाता है। ये देखकर जेनिफर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें मारने की कोशिश करती है, पर इससे भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जेनिफर वहाँ से भागने लगती है और ये दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। तभी जेनिफर के सामने जॉनी आ जाता है और उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। इनका प्लान यहाँ पर जेनिफर के साथ दरिंदगी करने का था, इसीलिए जेनिफर के ये सारे कपड़े फाड़ देते हैं और ये उसे काफी ज्यादा जख्मी भी कर देते हैं ताकि वो यहाँ से भाग न सके। जॉनी मैथ्यूज को बुलाता है ताकि वो जेनिफर के साथ गलत कर सके, पर जेनिफर की हालात देखकर मैथ्यूज काफी ज्यादा डर जाता है और वो ऐसा करने से मना कर देता है। जॉनी मैथ्यूज को डांटता है और खुद जबरदस्ती जेनिफर के साथ इंटीमेट होने लगता है। जेनिफर इनसे बार बार बोल रही होती है कि वो उसे जाने दे, उसे अपनी जिंदगी संवारनी है, पर ये तीनों उसकी कोई भी बात नहीं मानते और जॉनी उसके साथ काफी ज्यादा बुरी तरीके से जबरदस्ती करता है, जिस वजह से जेनिफर को काफी ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद ये जेनिफर को छोड़ देते हैं। जेनिफर किसी तरह से यहाँ से आगे बढ़ती है, पर कुछ दूर आगे जाते ही ये चारों फिर से एक बार जेनिफर को घेर लेते हैं। जेनिफर उनसे बोलती है कि वो उसे जाने दे, पर ये उसकी कोई भी बात नहीं मानते। ये चारों इसे एक पत्थर पर लिटा देते हैं। यहाँ पर एंडी जेनिफर के साथ काफी बुरी तरह से इंटीमेट होता है, जिससे जेनिफर को काफी ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद वो जेनिफर को उसी हालात में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इधर जेनिफर की हालात अब इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो किसी तरह से अपने घर तक पहुँचती है, वहाँ पर रखी एक शर्ट पहन लेती है। जेनिफर किसी तरह से रेंगते हुए टेलीफोन तक पहुँचती है ताकि वो पुलिस को इस बारे में बता सके, लेकिन तब तक वो सारे लड़के फिर से यहाँ पर आ जाते हैं और वो एक बार फिर से जेनिफर को पकड़ लेते हैं। जेनिफर उनसे बोलती है कि वो अब उसके साथ कुछ भी ना करे क्योंकि अब वो इस हालत में नहीं है। वो बोलती है कि वो उसे जाने दे क्योंकि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और वो इस बारे में पुलिस को भी कुछ भी नहीं बताएगी, पर ये इसकी कोई भी बात नहीं सुनते और ये सब यहाँ पर मैथ्यूज को जेनिफर के साथ इंटीमेट होने को मोटिवेट करने लगते हैं, जिस पर मैथ्यूज भी जोश में आ जाता है और वो भी जेनिफर के साथ इंटीमेट होने लगता है। पर जब वो जेनिफर की आंखों में देखता है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो जेनिफर को छोड़कर वापस से अपने कपड़े पहन लेता है। इसके बाद स्टैनली की बारी आती है और वो जेनिफर के साथ काफी ज्यादा दरिंदगी करता है और वो जेनिफर को थप्पड़ भी मारता है और अब जेनिफर बिल्कुल अधमरी हो चुकी है। इसके बाद वो जेनिफर को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर जॉनी अब जेनिफर को जान से मार देने के लिए बोलता है क्योंकि अगर उन्होंने इस हालत में उसे छोड़ दिया तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगी और वो सब जेल में जा सकते हैं। वे सब
जब इस काम के लिए मैथ्यूज को चुनते हैं, वे मैथ्यूज से बोलते हैं कि उसे जेनिफर के सीने में चाकू घुसाना होगा, जिससे जेनिफर की मौत हो जाएगी। मैथ्यूज किसी की जान नहीं लेना चाहता और वो काफी ज्यादा डरा हुआ भी था, इसीलिए वो इस काम को करने से मना कर देता है। पर ये तीनों उसे काफी ज्यादा फोर्स करते हैं कि वो उसे एक मिशन पर भेज रहे हैं। अब मैथ्यूज जेनिफर के घर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि जेनिफर अभी भी उसी हालात में फर्श पर पड़ी हुई है। मैथ्यूज को जेनिफर पर तरस आ जाता है और वो उसकी जान नहीं लेता। वो जेनिफर के होठों पर लगे खून को चाकू पर लगा देता है, ताकि इसके दोस्तों को ये भरोसा हो सके कि उसने जेनिफर को मार दिया है। इसके बाद वो उस चाकू को लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है और उनसे झूठ बोलता है कि उसने जेनिफर को मार डाला है। मैथ्यूज उनको वो चाकू दिखाता है जिस पर खून लगा हुआ था, जिससे उनको भी भरोसा हो जाता है कि हाँ, उसने जेनिफर को मार डाला है। इधर जेनिफर को होश आता है और वो एक किनारे बैठकर रो रही होती है। वो किसी तरह से खुद को संभालती है और कई दिनों तक वो अपने घर से बाहर ही नहीं आती है। जेनिफर कुछ दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाती है, पर अब उसे उन चारों से बदला लेना था, क्योंकि उन चारों ने मिलकर उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दी थी और अब वो उन चारों को किसी तरह से मार देना चाहती है, ताकि वो किसी और की जिंदगी ना बर्बाद कर सके। इधर इन चारों को दिखाया जाता है जो अभी भी जेनिफर के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। जॉनी बोलता है कि अब तक जेनिफर की लाश सड़ चुकी होगी और उसमें से बदबू भी आना शुरू हो गई होगी, और इससे पहले कि उसकी बॉडी को कोई और देखे, हमें उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। जॉनी फिर से इस काम के लिए मैथ्यूज को बोलता है कि तुम्हें जेनिफर के घर जाकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, पर मैथ्यूज बोलता है कि वो ये काम नहीं कर पाएगा, उसे काफी ज्यादा डर लग रहा है। इसीलिए अब जॉनी इस काम के लिए एंडी और स्टैनली को बोलता है। अब एंडी और स्टैनली जेनिफर के घर की तरफ आ रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि जेनिफर सही सलामत नदी के किनारे बैठी हुई है। जेनिफर को जिंदा देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि मैथ्यूज ने उनसे झूठ बोला था कि उसने जेनिफर को मार दिया है। अब वापस आकर ये तीनों मैथ्यूज को खूब पीटते हैं, क्योंकि इसकी इस बेवकूफी की वजह से ये चारों जेल भी जा सकते थे। इधर जेनिफर एक चर्च में आ जाती है और वो वहाँ भगवान से इस बात के लिए माफी मांगती है जो वो करने वाली है, क्योंकि अब उसने उन चारों को मारने का पूरा इरादा बना लिया है। इसके बाद वो उनके ऊपर नजर रखने लगती है। वो पहले जॉनी के ऊपर नजर रखती है और पाती है कि जॉनी का एक छोटा सा परिवार भी है, जिसमें उसकी बीवी और दो बच्चे भी हैं। पर इसके बावजूद भी जॉनी ने उसके साथ इतना गलत किया। इसके बाद वो मैथ्यूज के ऊपर नजर रखती है, जो कि एक शॉप में सामान डिलीवरी करने का काम करता था। जेनिफर को मैथ्यूज को मारने का तरीका मिल गया था, इसीलिए वो वापस घर आकर मैथ्यूज के शॉप से कुछ सामान ऑर्डर करती है। शॉप का ऑनर जब मैथ्यूज को जेनिफर के घर सामान डिलीवरी करने को बोलता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वहां जाने से पहले वो अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास एक चाकू रख लेता है, ताकि मौका देखकर वो जेनिफर को वहीं जान से मार देगा। वो पार्सल को लेकर जेनिफर के घर आ जाता है, जहाँ पर जेनिफर एक पेड़ के नीचे खड़ी होती है। जेनिफर मैथ्यूज को देखकर जंगल में बुलाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। वो मैथ्यूज से बोलती है कि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करती है और अब वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है। मैथ्यूज को थोड़ा डर लग रहा होता है, पर वो जेनिफर को देखकर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके साथ वहीं पर इंटीमेट होने लगता है। जब वो इंटीमेट होने में पूरी तरह से बिजी था, तभी जेनिफर उसके गले में फांसी का फंदा बांध देती है और रस्सी को खींच कर पेड़ से बांध देती है, जिससे मैथ्यूज की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जेनिफर जॉनी के पास आ जाती है और उससे मीठी मीठी बातें कर उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। जॉनी को लगता है कि उस दिन उसे शायद मजा आया होगा, इसीलिए वो उसके पास आई है। जेनिफर गाड़ी को जंगल में ले आती है और गाड़ी को जंगल के बीच में रोकती है। इधर जॉनी मन ही मन काफी खुश हुए जा रहा था कि आज फिर से उसे जेनिफर मिलेगी। जेनिफर अपनी गन जॉनी को दिखाते हुए उससे उसके सारे कपड़े निकालने को बोलती है। यहाँ पर जॉनी समझ जाता है कि आज जेनिफर उसका गेम बजा देगी, और इससे पहले कि जेनिफर जॉनी को मार देती, जॉनी उसे अपनी बातों में उलझाने लगता है। वो उससे बोलता है कि वो इतनी सुंदर है कि कोई भी उसे देखकर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब ये सारी बातें सुनकर जेनिफर भी पूरी तरह से पिघल जाती है और वो अपनी गन को नीचे फेंक देती है और उससे बोलती है कि क्या वो उसके साथ उसके घर पर नहाने के लिए चलेगा। इस बात के लिए जॉनी भी मान जाता है। इसके बाद ही जेनिफर के घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर जेनिफर बोलती है कि उसने मैथ्यूज को मार डाला है। ये बात जॉनी को मजाक लगती है और वो हंसने लगता है। जेनिफर उससे पूछती है कि उसका एक छोटा सा परिवार भी है, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर जॉनी बोलता है कि आदमी आदमी होता है और वो इस मामले में कभी बदल नहीं सकता। ये इसी तरह से एक दूसरे से बात करते रहते हैं और तभी जेनिफर मौका देखकर चाकू से जॉनी के प्राइवेट पार्ट को ही काट देती है, जिससे जॉनी वहीं बाथरूम में ही तड़पने लगता है। जेनिफर बाथरूम को बाहर से लॉक करके गाने सुनने लगती है। अंदर जॉनी का लगातार खून बहते रहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और वो उसकी लाश को ठिकाने लगा देती है। और अब केवल एंडी और स्टैनली बचे हुए हैं, जो अपने गुम हुए दोस्तों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। इन दोनों को जेनिफर पर ही शक होता है, इसीलिए ये दोनों जेनिफर को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। एंडी जंगल में छुप जाता है और स्टैनली जेनिफर की तरफ बढ़ने लगता है, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनका शक सही है या नहीं। इधर जेनिफर स्टैनली की बोट में चढ़ जाती है और उसे किस करने लगती है, और तभी मौका देकर वो उसे पानी में धक्का मार देती है। अब जेनिफर स्टैनली की बोट लेकर स्टैनली को ही कुचलना चाहती है, वो उसकी नाव लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। इधर एंडी अपने दोस्त की मदद करने के लिए जंगल में से निकल कर यहाँ पर आ जाता है, और तभी एंडी की एक्स जेनिफर की बोट में गिर जाती है और वो इसी एक्स से एंडी को ही मार
देती है जिससे एंडी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और अब केवल स्टैनली ही बचा हुआ है जो जेनिफर से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। और जेनिफर भी उसे नहीं पछताती और अपनी बोट का इंजन स्टार्ट कर देती है जिसकी वजह से स्टैनली की वहीं पर मौत हो जाती है। अब जेनिफर ने उसके सारे कातिलों को मार दिया है और वो नाव को लेकर उसी नदी की तरफ बढ़ जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी।